आप ही बताइए कि यदि हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? यदि हमारे पास पर्याप्त अनाज हो और पकाने के लिए उपयुक्त साधन, या फिर हम अगर बाहर से भी खाना मंगवाने या लाने में सक्षम हो, तो हम अपने भोजन की व्यवस्था तुरंत ही करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, है ना? और जाहिर सी बात है कि अगर हमें भूख आज और अभी लगी हो और हमारे पास पर्याप्त अनाज और उपयुक्त साधन उपलब्ध हो, तो हम अपना खाना कल के लिए कैसे टाल सकते हैं, है ना? तो जैसे भूख और भोजन का संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही ज़रूरतमंद और उसकी मदद भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके या फिर अपना पेट काट कर किसी मजबूर या फिर बेबस की मदद करें, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि हमारे पास कोई अभाव में आए या फिर किसी भी मदद की उम्मीद लेकर आए और यदि हम मदद करने में सक्षम हो, तो फिर बिना उसकी बेइज्जती किए या फिर बात को टाले उसकी उतनी सहायता अवश्य कर दें जितना हम कर सकें, जितना हमसे बन पड़े, क्योंकि ये दुनिया गोल है। हम जो भी करते हैं वापस लौटकर देर सवेर हमारे ही पास आता है, और इसीलिए हमारी की गई मदद वापस लौटकर हमारे ही पास आती है, और फिर हम भी असहाय कभी नहीं रहते, है ना? हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, देर से ही सही, लेकिन वापस लौटकर हमारे पास आता ज़रूर है। और इस तरह यदि हमारे बुरे कर्मों का हमें दंड मिलता है, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये किस कर्म का दंड है जो कि हमें मिला है, और अंततः फलस्वरूप हमें उसे भुगतना ही पड़ता है, है ना? कितनी अजीब बात है ना, कि हम दूसरों की मदद करें ना करें, अच्छा सोचें ना सोचें, अच्छे कर्म करें ना करें, ये सब हमारी मर्जी होती है, लेकिन अपने कर्मों का दंड भुगतना हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि अपने कर्मों का पुरस्कार या फिर दंड हमारा चयन निर्धारित करता है, जिसके अनुसार कुदरत हमारा फैसला करती है। और जब ईश्वर और समय दोनों ही हमें हमारे बुरे कर्मों का दंड देते हैं, तो मजबूरी में ही सही, लेकिन हमें उस दंड को भुगतना ही पड़ता है, है ना?